हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैभव मोटर वर्ल्ड। तो फाइनली आज हम आपसे बात करेंगे TVS Ntorq रेस एक्सपी एडिशन, जो कि 125 cc का E-20 वाला 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है दोस्तों। और इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल से अगर हम बात करेंगे तो ये इतना ज़्यादा स्पोर्टी लगता है देखने में, और इसके कुछ ग्राफिक्स इतने तगड़े मुझे देखने में लगे दोस्तों। यहाँ पे आपको काउल पे 125 रेस एक्सपी का एडिशन मिल जाता है। और फ्रंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एप्रन के ऊपर TVS का लोगो मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ। बाकी ऊपर ब्लैक कलर का वाइजर जिसमें आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर मिल जाता है। बीच में आपको पियानो फिनिश मिल जाती है, साइड में आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। हेलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं हजार्ड लैंप के साथ, जिसमें आपको चार इंडिकेटर एक साथ जल सकें। यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाती है टी शेप की, जो कि Ntorq को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, और TVS को भी रिप्रेजेंट कर सकती है जैसा आप समझना चाहें। यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप मिल जाता है, जो कि आपको हाई बीम और लो बीम देखने को मिल जाती है। मडगार्ड आपको फाइबर बॉडी में देखने को मिलता है, जो कि टू पीस में दिया गया है। 220 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 180/12 का टायर मिल जाता है, 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और 12 इंच का रेड कलर का अलॉय व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर भी 125 रेस एक्सपी का एडिशन मिल जाता है। यहाँ पर RTFI रेस ट्यून प्रोग्राम FI इंजन मिल जाता है स्कूटर में। Ntorq के ग्राफिक्स मिल जाते हैं एप्रन के ऊपर, और देखने में इतने सही लगते हैं, इतने तगड़े लगते हैं दोस्तों, और आपको ये स्कूटर काफ़ी पसंद आने वाला है दोस्तों। डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, काफ़ी प्यारा लुक आपको इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। चाबी की बात करें तो चाबी आपको नॉर्मल सी देखने को मिलती है, वेव की इसमें आपको नहीं दी गई है। अब बात करते हैं इसके मीटर की दोस्तों। तो इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आपको इंडिकेटर, हाई बीम की लाइट और लो फ्यूल इंजन माल फंक्शन मिल जाता है। Ntorq का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आप दो बटन देख सकते हैं, इन्हीं दो बटनों से ये कंट्रोल होता है। यहाँ पे रेस एक्सपी का स्टिकर मिल जाता है दोस्तों, और यहाँ पे आप बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये बटन आप प्रेस करोगे दोस्तों तो ऊपर कुछ मीटर में हलचल होने लगती है, जैसा कि यहाँ पर आपको टॉप स्पीड दिख जाती है, लैप मोड और ये सब फलाना ढिमकाना बहुत चीज़ें मिल जाती है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर, डिजिटल फ्यूल गेज, और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। 0 to 60 कितने सेकंड में जाती है वो भी दिखा देता है। Ntorq का स्टिकर, ऊपर TVS का लोगो देखने को मिल जाता है दोस्तों। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी इंडिकेशन, सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, और भी यहाँ पे साइड स्टैंड की वार्निंग मिल जाती है। टॉप स्पीड कितनी है वो भी देखने को मिल जाती है। इको पावर मोड देखने को मिल जाता है दोस्तों, और बाकी इतना इस मीटर में इतना खास नहीं जितना आपको मिल जाता है Ntorq XT एडिशन में, जो कि इसका टॉप मॉडल है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और पासिंग का बटन मिल जाता है, इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच। राइट साइड की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो राइट साइड में आपको हजार्ड का स्विच मिल जाता है, इंजन किल स्विच ऊपर दिया गया है, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है, जो कि आपको मोड पे वर्क करता है। चलिए पहले मैं स्कूटर की आपको आवाज़ सुनाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये रही इस स्कूटर की आवाज़, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं अब इसके इंजन किल स्विच, तो दबा देते हैं तो हो जाता है स्कूटर ये बंद, और नीचे का आपको कैरी हुक मिल जाता है, और यहाँ पे चाबी लग जाती है। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी गई, जैसे मोबाइल वोबाइल रखने के लिए। और आगे जो लेग का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। सीट पर आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, सिंगल टाइप की सीट मिलती है, काफ़ी कम्फर्टेबल आपको दी गई है। यहाँ पे Ntorq 125 का 3D में क्रोम फिनिशिंग के साथ लोगो और बड़ा बड़ा रेस का लोगो मिल जाता है, जैसा कि ये रेस एक्सपीडिशन है। दोनों साइड आपको एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट आपको काफ़ी थोड़ा सा बल्की देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि स्कूटर जो है काफ़ी आपको स्टाइलिश और बल्की देखने में मिलती है। एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जैसा कि ये फैन यहाँ पर आप चेकआउट कर पा रहे हैं। पिछले टायर साइज़ की बात करें तो पिछले टायर साइज़ आपको 110/80/12 का मिल जाता है, जो कि 12 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है अलॉय व्हील के साथ रेड कलर के। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के ऊपर हैलोजन लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे LED टेल लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। मैं पहले हजार्ड को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप चेकआउट कर पा रहे होंगे कि चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। जो इसका इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन टाइप का ही दिया गया है, LED टाइप का दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि स्कूटर काफ़ी आपको स्टाइलिश स्पोर्टी देखने में लगता है। बाकी अगर यहाँ पे आपको सीट के ऊपर Ntorq की बैजिंग मिल जाती है, थोड़ी कार्बन सी फिनिशिंग, और यहाँ पे Ntorq 125 स्टिकर मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ। लेडी पिलियन को पैर रखने के लिए आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है।
बाकी किक का ऑप्शन मिल जाता है इस स्कूटर में, 130 mm की ड्रम ब्रेक। और यहाँ पे इंजन और पावर की बात करें हम, 124.8 cc का 3 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 FI इंजन मिल जाता है। ये इंजन मैक्सिमम पावर 10.2 PS की 7000 RPM पर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5500 RPM पर जनरेट करता है। टॉप स्पीड इसमें आपको लास्ट 100 तक मिल जाती है। और माइलेज की बात करें तो ये आपको 45 से 50 का माइलेज आराम से निकाल कर दे देता है। किक का ऑप्शन मिल जाता है इसमें आपको, साइड स्टैंड के ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर वेन स्टैंड इस स्कूटर में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपको सिंगल टाइप का स्विंग आर्म वाला सस्पेंशन देखने को मिलता है। चलिए पहले हम सीट को ओपन करके इसकी बूट स्पेस को चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें आपको 22 लीटर का स्पेस देखने को मिल जाता है। ये स्कूटर की मिरर रखे हुए हैं और यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम इसके पेट्रोल की टंकी की बात करें तो इसमें आपको 5.8 लीटर यानी कि 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। E-20 वाला मॉडल है जैसा कि आप स्टिकर आप चेकआउट कर ही पा रहे होंगे दोस्तों। तो इसमें आपको स्प्लिट टाइप की ग्रैब रेल्स भी देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं अब स्कूटर के प्राइस की, तो TVS Ntorq रेस XP एडिशन रेड कलर 125 cc की एक्स शोरूम प्राइस है लखनऊ में 94,471 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,11,832 रुपये, जो कि मैंने आपको कियारा TVS हैबत मऊ रायबरेली रोड लखनऊ की बताई है दोस्तों। अगर आपको अपनी सिटी का प्राइस जानना है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आपकी सिटी का प्राइस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।